सत श्री अकाल जी, मैं सुरदीप हाजर हाँ जी गुरविंदर कौर कंग जी की बड़ी ही खूबसूरत रचना लैके। रब बाला देवे, तरक्कियां करें, धीए बहुत वड्डी अफसर बने, बुढ़ सुहागण होवे, रब जोड़ियां नू रंग भाग लावे। मैं दफ्तर आके परस मेज ते रख्या, परस चो चाबियां कढ के अलमारी खोलनी लगी सी कि असीसां दी आवाज़ मेरे कन्ना विच पई। ये आवाज़ कदे कदे सुनन नू मिलदी सी, पर अज ये आवाज़ बड़ी नेड़े दी सी। जदों मैं वेख्या ता सिर ते पाटी जी चुन्नी, निक्की निक्की बूटी दा मैला जिहा सूट अते पैरी पाई तलियां तो कसी ते लीरां नाल बन्नी टुट्टी चप्पल दी वद्दर 70-75 क साल दी माता सी। माता जाली वाला दरवाजा खोल के अंदर आई, असीसां देण लगी, मेरे वल थकियां अखां नाल वेख के कहण लगी, पुत 5-10 रुपईए दे दे। मैं परस चो 20 रुपए दिते अते 20 रुपए पाटी चुन्नी दे लड़ नाल बनदी होई रब बरकतां पावे कहिंदे होए सामने बैठे साथी कर्मचारी को चली गई। ये माता रोज रोज दफ्तर विच पैसे मंगण नहीं सी आउंदी, 10-15 दिनां बाद ही आउंदी सी, कदे कदे तां महीना भी बीत जांदा। दिवाली दा दिन सी, मैं दफ्तर ही सी, लंच टाइम होया, मैं खाना खाण ही लगी सी कि जिउंदी रह धीए, रब तैनू तरक्कियां बख्शे, आवाज आई। मैं अपना रोटी वाला डब्बा बंद करता, क्योंकि मैं किन्ने दिनों तो उस माता नू याद कर रही सी ते साथी कर्मचारी भी उस नू याद कर रहे सी कि बहुत दिन हो गए वो माता नहीं आई। मेरे मन विच भी अनेकां सवाल सी उस माता लई। किन्ने दिनां बाद फिर आवाज आई, अज मौका मिलिया, मैं माता नू आवाज मारी। काली नाल पैर पटदी माता मेरे कोल आके खड़ गई। लंच टाइम होण करके मैं भी वेली सी। मैं क्या, माता जी तुहाडा नाम की है? पुत, बच्चे मम्मी आख के सद्दे सी, उन्हां दा प्यो मैनू करमा वालीए कह के बुलाउंदा सी, अते हुण सारे मंगती मंगती कहिंदे आ। पुत, ना तां मैनू भुल ही गया आपदा, जदों पुत किसी ने आवाज ही नहीं मारनी, नाम कित्थे याद रहिंदे। माता गल करदे करदे हथ विच फड़ी सोटी नू थले रख मोढ़िआं उत्ते बोरी वाला झोला ला के बह गई। माता थले क्यों बह गई, कुर्सी ते बह जा। चंगा पुत, मैं फिर गल शुरू कीती, माता पेक्यां दा नां की है तुहाडा? वे पुत, मैं गाहां जाणा है। नहीं माता जी, नाम तां दसना ही पऊ। पेके पुत, मेरा बापू मैनू शेर कह के बुलाउंदा सी। माता तेरे बच्चे कित्थे? जिवें माता उड़ीकदी सी कोई मैनू पुछे ते मैं अपने दुखां दा बोझा हल्का करां। वाहेगुरु वाहेगुरु, माता तार तार होई चुन्नी नू ठीक करदी होई बोली, पुत मेरी उम्र 80 तो 2 घट आ। पुत 60 वरे हो गए व्याही नू, साडे वेलियां च तां छोटी उम्र ही व्याह दिंदे सी। मेरे 3 पुत आ, 1 वड्डी धी मुक गई सी, 15 कवरियां दी काले ताप नाल गुजर गई सी ओ। माता ने लंबा हौका लिया, चुप हो गई। मेरी जिज्ञासा होर वध गई कि माता दे पुत ते घर वाला कित्थे आ। मैं फेर पुछया, माता तुहाडा घर वाला, तुहाडे पुत? छोटा गोदी सी, वड्डा 8 कवरियां दा सी, सिर दा साई भी गुजर गया, 2.5 किले पैली, डंगर वच्छा भी सी। बस पुत, औखे वेले नाल कोई नहीं खड़दा, पुत पल गए, वड्डियां पढ़ाइयां, खर्चे वध गए। मैं एक स्कूल विच चाह पानी पिउण लग गई, नाल स्कूल दी साफ सफाई भी कर देनी, वो मैनू 300 दिंदे सी। मेरे मन विच इक्को गल सी कि जो मैं औखा वेला देखिया, मेरी औलाद नू ना देखना पए। वाहिगुरु ने मेरी सुन ली, वड्डे अफसर दा कोर्स करवाया, पैली वेचती। मुंडे कहिंदे, मम्मी पैली तां वाधू बना लवांगे। मैं क्या, जिवें तुहानू ठीक लगे। 2.5 किले वेचते, 3 थाई पैसे वंडते। मैं सोचा की करने पैसे, हीरियां वर्गे पोता 2 वक्त दी रोटी तां देणगे। छोटा विदेश गया, 1 ने फैक्टरी च हिस्सा पा लिया, वड्डा पुत अफसर बन गया, 3 ने व्याह लए, बाहर वाले ने गोरी नाल व्याह करवा लिया, ओ नहीं मुड़िया, वड्डे अफसर कोल रहिंदी सां मैं। बस पुत पेके छड्ड आया। मेरा भरा अगले दिन पिंड वाली बस ते बिठा के मेरे हाथ टिकट फड़ा के कहिंदा, बीबी पुत पोतरे व्याहे गए, कबीलदारी उन्हां हाथ आ, आप नू 2 वक्त दी रुखी मिसी मिलदी रहे। अखां भरी बस चो थले उतर गया। मैं पिंड आ उतरी, घरे गई, वड्डी बहू बोली, बेबे छोटे मामे कोल जा आउंदी 2-4 दिन। पुत मैं उन्नी पैरी वापस मुड़ गई।
चंगा पुत जाओनिया। अज तक उन्होंने ये नहीं पता किया कि बेबे छोटे मामे घरों मुड़ी क्यों नहीं। 5 साल पहला मेरे को एक कार आके रुकी। कार दी बारी खोल के गबरू नाल पेंट बुरशट पाई मैडम। बेबे तू किधर फिरदी, बह कार विच। मैं बह गई कार विच। बेबे मैं तेरा छोटा पोता काला, बाले वड्डे घर अगे कार रुकी। बेबे उत्तर। मैं क्या पुत्तर, ये तेरा घर आ? नहीं बेबे, ये मेरा नहीं तेरा घर आ। ज्योंदे रहो, तरक्कियां करो। मैनू कार चो ला के मुड़न लगे नू मैं क्या, पुत्तर तुसी नहीं आना अंदर। बहू बोलदी है, अखे बेबे कुछ खाण पीन नू लैके आउणे आ। मैं खड़ी देखदी रही, कार मिट्टी उडाउंदी अखों ओले हो गई। आथन तक गेट दे बाहर खड़ी मैं राह तकदी रही। बेबे अंदर लंघ आ, किसे ने नहीं मुड़ना हुण। अंदरों आवाज आई, मैं अंदर चली गई। सामने कुर्सी ते बैठे सरदार मुंडे ने कहा, बेबे तेरे 9 पुत तेनू बिरध आश्रम छड के चले गए। अच्छा पुत, पुत ऐ दस तुसी क्यों मैनू रखोगे, जदों मेरे अपने ही नहीं मैनू रख सके। तेरे खर्चे दे पैसे दे के गए आ। ना पुत, वो बेचारा औखा हो के दे के गया होना। जे इन्ना ही सौखा हुंदा तां मैनू अपने नाल अपने घर विच ना रखदा। पुत तू पैसे मैनू मोड़ दे, मैं उन्हां नू वापस कर दूं। मैं तां पुत किते भी रात कट लैनी है। बेबे पैसे तां मालकां ने मोड़ने नहीं, तू बैठ मैं पानी ले आउणा। ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲੰਗੀਆਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਦੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਪੁੱਤ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਆ ਸਭ, ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਚਲਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਲੈ ਜੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਪਰਸ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਲੈ ਮਾਤਾ, ਧੀਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇ ਦੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਲੈ ਲਾ, ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਥੱਲੇ ਪਈ ਸੋਟੀ 'ਤੇ ਝੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਮਾਤਾ ਬੋਲੀ, ਧੀਏ छोटे मुंडे जोगे पैसे जोड़ दिया, जदों किते मिल गया जरूर मोड़ूंगी। औखे होके जमा कराए होने हैं मेरे 2 महीने दे खर्चे दे पैसे उसने आश्रम वालियां नू। नाले कर्जा लै जू, रब नू जान देनी है। पाटी चुन्नी दे पल्ले पैसे नाल बंधी कुर्सी तो उठी। जुग जुग जियो, खुश रह, बुढ़ सुहागण होवे, तरक्कियां करो। माता किन्नियां ही असीसां दिंदी, कमरे विच्चों बाहर वल नू चली गई। सो जी, बड़ी ही इमोशनल कहानी गुरविंदर कौर कंग जी द्वारा लिखी गई। तुहानू किस तरह की लगी कमेंट करके जरूर दस्यो। जेकर तुसी मेरे चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब जरूर कर दिओ, अते घंटी का बटन भी जरूर दबा दिओ। धन्यवाद जी।